सभी विद्यार्थियों का चैप्टर नंबर 4 के सेशन नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाली क्लास में प्रश्नावली 4.2 के 3 सवाल हम कर चुके थे और मैंने कहा था 4, 5 और 6 आप करके तैयार रहेंगे। आपने बिल्कुल पक्का 100% मुझे विश्वास है कि आपने इसको ट्राई किया होगा और आंसर भी मिला होगा। अगेन आपने सही किया या नहीं किया एक बार वो भी वेरीफाई हो जाएगा और जिनको नहीं आया वो भी एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फॉर्मूला बनेगा, एक तो क्रमागत संख्या x और x प्लस 1 क्रमागत कह रहा है ना, उन दोनों का स्क्वायर वर्ग, ये आ गया मेरा, ये मेरी दो संख्या दोनों के वर्गों का योग है 365। ओके करें सॉल्व, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको मैंने खोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये इधर आया तो ये मैं अब इसको मैं 2 और कॉमन ले लेता हूं, तो 2 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसमें एक आगे मेथड आएगा द्विघात समीकरण को हल करने वाला, लेकिन मान लिया अभी उस मेथड पे नहीं, अभी अपन मध्य भाग को तोड़ने वाला मेथड जानते हैं। अब मान लिया यहां एक है या 182 है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 15 × 15 225 होता है, 14 × 13 क्या होता है, ऐसा करके आइडिया लगाओ 14 × 15 क्या होता है। थोड़ा एक बार ऐसे करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 14 × 13 अपन लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा x प्लस 14 माइनस 13 आ गया, x प्लस 14 मेरे पास ये आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 या x इज इक्वल टू 13। माइनस की बात है नहीं, इसलिए हम कहेंगे एक तो संख्या है 13 और एक है 14। दो क्रमागत संख्या क्या है, 13 और 14, ये आंसर आ गया। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, अच्छा, और कर्ण दे रखा है 13, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। वेरी गुड, ये मेरा समकोण त्रिभुज, ये मेरा आधार x, जो लंब है ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7, कर्ण दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया। थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो इस वाली इक्वेशन को पहले बना लिया, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। जरा मैंने इसको सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कीजिए, मेरे पास आना चाहिए, पहले ये आएगी फिर मेरे पास ये, मैंने दो कॉमन लेता हूं तो ये इक्वेशन आएगी। सभी बच्चे एक बार इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, खोलो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस का गुण 50, फिर इसको गुण 50 और इन दोनों इधर लिया है, इसको भी इधर लिया है, ये हो गया 120, फिर दो कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब है बीच में 7 है, उधर 60 है, तो 12 × 5 = 60, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, यस ये हो गया।
माइनस का 12x, देखो ये ध्यान रखना, तुम 12 5 60 तो आपने निकाल लिया लेकिन गलतियां मत कर देना, ये 12 है और ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये कुल मिला के आना ये चाहिए माइनस का 7x। ये मेरा आ गया, लिए x कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 12 x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 12 है ना, या x इज इक्वल, इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, पहले x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, फिर लिखना x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, ऐसे लिखना। ऊंचाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोई भी लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम मानेंगे 12, तो हमारा जो आधार है वो आ गया 12 और ऊंचाई जो है 7 कम कर दो तो ये आ गई ऊंचाई 5। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बड़ा बड़ा जोरदार सवाल है। माना कि निर्माण लागत है एक्स, नहीं यूं नहीं करें, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन एक्स, ये नहीं, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या एक्स, तो निर्माण लागत हो जाएगी दुगुने से 3 अधिक बराबर 90। ये है क्या, नहीं इसको एक्स से गुणा करेंगे, दुगुने से 3 अधिक। चलो आ जाओ क्या क्या देखते हैं। माना कि कुल जो संख्या है निर्माण किए गए प्रोडक्ट वो है एक्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निर्माण लागत दुगुने से 3 अधिक। अब निर्माण लागत और दोनों को आपस में गुणा किया तो 90 रुपए अपने को दे रखे। करिए सॉल्व, 2x² + 3x - 90 = 0। अब ये नीचे तो 3 है, यहाँ 90 दूना 180, तो 15 × 12 किया, ये आ गया 2x + 5 - 6 2x + 5 x - 6 और 2x + 15, तो x = आ गया 6 और x = आया -15/2। यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए कुल जो निर्माण किया गया है वो है 6 और जो निर्माण लागत है कितनी हो जाएगी, 2 × 16 + 3, नहीं यही ना, नहीं 2 × 6 + 3 ये हो गया 12 + 3 = 15। निर्माण लागत 15 उस दिन की और कुल नग निर्माण किए 6, ये हो गई मेरी प्रश्नावली 4.2 खत्म। जब कोई प्रश्नावली खत्म हो जाए तो एक बार फिर वीडियो पॉज करके जितने क्वेश्चन हो गए उनको सबको परफेक्ट चेक करके अपनी अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद आगे वीडियो चलाना है ताकि गाड़ी स्टेप बाय स्टेप आगे चलती रहे। अब आ रहा है नया स्टाइल, अभी अभी अपन ने क्या किया था, जो बीच वाला जो पद था उसको विभक्त किया, टुकड़े किए थे, अभी नई टेक्निक है पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अच्छा कैसे होता है ये, कैसे होता है ये, एक एग्जांपल दिया हुआ है, करो सोल्व, सभी करो। ये आ गया x² + 2x - इसको जब सोल्व किया ना बच्चों तो ये आ जाएगा x² - 9 = 0, यानी कि अब गाड़ी यहाँ आ गई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x² = 9 और x जब होता है इसको तो अंडर रूट करेंगे, इसको अंडर रूट 9, तो ये निकलता है ±3, दोनों लिखते हैं प्लस माइनस, तो x का मान
प्लस थ्री भी हो सकता है और माइनस थ्री भी हो सकता है। लेकिन ये तरीका अच्छा लगा, एक संख्या पूर्ण वर्ग है, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, उधर नौ चला गया तो काम हो जाएगा तो अपना, क्योंकि नौ भी तीन का स्क्वायर है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ये कर लो, देख लो क्या लिखा है। यहां से अपन शुरू कर रहे हैं, अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन था, लेकिन अगर ये संख्या हो तो क्या करोगे बच्चों, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन बराबर जीरो हो तो क्या करोगे, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस, लिखो इसको, अब लिखो, आज प्रैक्टिस शुरू, प्रैक्टिस शुरू। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, फिर आगे लिखो x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, फिर आगे लिखो x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, फिर आगे लिखो कंडीशन नंबर वन, स्थिति नंबर वन, x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, तो x इज इक्वल टू आ रहा है वन। कंडीशन नंबर दो, x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस फाइव, कंडीशन दो, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू वन और माइनस फाइव। करो सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे, और बुक में भी देखिए कैसे किया है, ये किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आ रहा x इज इक्वल टू वन या x इज इक्वल टू माइनस फाइव। ये जो इक्वेशन थी x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस नाइन, ये आया कहां से? ऐसा कोई सिंपल गुणनखंड हो, द्विघात समीकरण उससे आ सकता है क्या? यस, ये इससे आ गया, किससे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अच्छा, इससे कैसे आ गया, इससे कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, करें इसको, करते हैं, दिमाग लगाते हैं आज, इसको अपन को लाना है x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन, ला सकते हैं क्या, देखते हैं, देखते हैं कैसे आया। ये समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब जरा मैं बताता हूं, इसे चलते जाना, यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अगर मेरे को मान लिया, एक फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है, होता है। अब मुझे इसको कहीं होल स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूं, ये तो एक्स स्क्वायर ठीक दिख रहा है, ये फोर एक्स, इसको मैं मान लेता हूं ये टू ए बी है, तो टू इंटू एक्स, और एक टू और आ सकता है, एक टू और आ सकता है, तो इसका मतलब मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है, फिर वापस माइनस फोर और माइनस फाइव लिख दूं। मैंने चार जोड़ा और चार घटाया, कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत है क्या, चार जोड़ा चार घटाया, क्यों घटाया, क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर बनाना था, पूर्ण वर्ग बनाना था। अब तो आइडिया बराबर है, तो ये हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस नाइन बराबर जीरो, ये है स्टाइल।
अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। बेसिक समझ में आ गया, होल स्क्वायर बनाना है, कैसा भी क्वेश्चन हो बनाना सीखेंगे आज। सब रेडी हो जाओ, मेरे साथ सभी को क्वेश्चन करने हैं आज। एक एक क्वेश्चन में वीडियो पोस्ट करते जाना, ट्राई करते जाना, फिर वीडियो रन करना, ऐसे करना। हाँ चलो आगे, ये मैं सीधे सीधे आ जाता हूं यहां पर। मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स मुझे दिया हुआ है। बच्चों मैं लिखते जा रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, केवल यही है। क्या करेंगे इसको, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स प्लस फोर माइनस फोर लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, बस वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये आ गया, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है भाई, ये हो गया। ये अपने अभी अभी कर ही लिया था। अब समीकरण इस पे विचार कीजिए। चलो आ जाओ, मस्त क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, क्या लिखें, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल, यही है ना, ठीक यही है। अब आ जाओ तुम किताब को एक तरफ, मैं और आप, इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करूं, ये जो तीन है ना मेरे को गड़बड़ कर रहा है मेरा ये थ्री, क्योंकि ये थ्री स्क्वायर नहीं है, ये थ्री स्क्वायर नहीं है, तो मेरे चक्कर पड़ रहा है, ये तो रूट थ्री आ रहा है। तो या तो इस तीन को हटाऊं और या तीन की जगह कुछ और लाऊं, तो क्या लाऊं, एक काम करता हूं इसको पूरे को तीन से गुणा कर देता हूं। ये आइडिया अच्छा लगा, करता हूं। अब हो गया 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। कुछ बात में दम आया, यहां गाड़ी जम रही है। और आगे चलता हूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्लियर। अब मुझे 2ab चाहिए, तो 2 तो मेरे पास है, a 3x है, यहां बीच में 15 है, तो 2 3 6 तो ये हो रहा है, 15 कैसे लाऊं, हैं, दो तिया छे आ रहा है, तो 6 5 30 करूं और वापस 2 से भाग लगा दूं, 5/2 से गुणा कर दूं, तो बीच में 15 आ जाएगा, आएगा। ये बात भी जमी। और फिर इसके आगे लिख दूं 5/2 का स्क्वायर, और इसको वापस 5/2 के स्क्वायर को घटा दूं, प्लस 6 है ही। बोलो कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, क्या किया, ये 5/2 लाया, और 5/2 इसलिए लाया क्योंकि अब मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैंने 5/2 का स्क्वायर को जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया। अब मेरे पास आगे आ गया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तो आ गया, बचा क्या, 25/4 प्लस 6 बराबर 0, क्लियर। यहां तक गाड़ी बराबर चल रही है, कुछ समझ में आ रहा, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया, ये मैंने 3 स्क्वायर को 9 बना दिया, अब मैंने अंदर का सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, आ जा दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, और 4 का लघुतम ले लो, एक काम करो इसको पहले, एक काम करो 6 को पहले ले लो, तो 6 माइनस 25/4 बराबर 0 कर दो, फिर वापस लिखो इसको जरा,
3x माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का लघुतम लिया, 6 चौक 24 माइनस 25 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। बराबर गाड़ी, यहां तक सब बच्चे पहुंचो एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे यहां तक पहुंचो। और मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, देखो मैं केवल बुक के फॉर्मूले को इजीली समझा रहा हूं, ये बुक में भी यही किया है और बुक वाले भी यहां पर पहुंच गए हैं। एक मेथड और भी आएगा, मजा आएगा। यहां तक पहले पहुंचो, पहुंच गए तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब आगे चलते हैं, इसको करता हूं मैं 3x माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर, लिखो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस, जब अपन वर्गमूल लेते हैं ना तो प्लस माइनस आता है। चलिए अब क्या करेंगे, यदि 3x माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 है प्लस का, तो 3x हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 बराबर 2 लघुतम लिया, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो x बराबर आ गया 3/3 यानी 1, तो x बटा 1, x की वैल्यू 1 आ गई। एक सेकंड कंडीशन, 3x माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस प्लस का 5/2, इसको जरा लघुतम ले लें 2 का, तो माइनस का 1 प्लस का 5 बराबर 4/2 बराबर 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x बराबर 2/3। x बराबर क्या आया बच्चों, इसको किया इन्होंने, एक तो आ गया x बराबर 1 और दूसरा आ गया 2/3। सभी बच्चे एक बार, जैसा मैंने समझाया है, जैसा बुक में भी समझाया है, लेकिन समझने के साथ एक बार सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहें तो मेरे वाला देख सकते हैं, मैंने ये किया, 3 से गुणा कर दिया, वर्ग बना दिया, फिर इसको यह लघुतम ले लिया, ये हो गया, ये बच गया 1/4, फिर इसका वर्गमूल ले लिया, इसका ये आ गया, एक बार प्लस को रखा, एक बार माइनस को रखा, ये मेथड तो आपको समझ में आया, पर मेरे पास एक और आइडिया है। जरा इस इक्वेशन को वापस उठाओ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, आ जाओ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही है ना, वापस चेक करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर कहाँ गया, माइनस 5x प्लस 2, ठीक है इसको मिटाओ यार, ठीक है। अब मेरे पास एक और आइडिया है, मैंने पहली बार तो 3 से गुणा किया था, अभी मैं काम कर 3 से भाग लगा देता हूं, तो इसको 3 से भाग लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। ये भी आइडिया ठीक है,
अब करूं, अब बनाओ पूर्ण वर्ग। चलो अभी बनाते हैं। देखो मैथमेटिक्स में यही एक मजा है, डू इट। तो एक्स स्क्वायर, अब मुझे चाहिए 2ab। फॉर्मूला याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 चाहिए, तो 2 तो मेरे पास लाना पड़ेगा और x मेरे पास है, लेकिन यहाँ आ रहा है आंसर 5/3। तो एक काम करूँ, 1/2 से तो गुणा कर देता हूँ, और 5/3 तो है ही है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 से गुणा किया और 1/2 से भी गुणा कर दिया, बचा तो 5/3 x ही ना। अब क्या करूं, अब जो है वापस प्लस करके ये संख्या का वर्ग बना दूं, तो 5/6 का स्क्वायर लिख देता हूं प्लस में, वापस इसको घटा देता हूं, 5/6 का स्क्वायर घटा दिया और प्लस 2/3 पहले से पड़ा हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यही वीडियो पॉज करके एक बार जरा शांति से देख लो, और यही चीज बुक में भी कर रखी है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहां से बुक से भी तुम उठा सकते हो। बुक में इस तरीके से किया है, मैंने अपने तरीके से किया है। दिमाग लगाते जाओ, मेरे को 2ab चाहिए था, और ये सारी संख्या जब मैं गुणा उणा करूं तो मेरे को मिलना चाहिए 5/3x, मिल रहा है। और अब मैं इसको करता हूं तो ये मेरे हो जाता है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या है, माइनस का 25/36 और प्लस का 2/3 = 0। देखा देखा कैसे क्वेश्चन हो रहा है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये तो ठीक है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, फिर जरा प्लस को 2/3 इधर लिख लो, 25/36 इधर लिख लो, फिर वापस इसको लिखो, यहाँ इसको लघुतम लो 36, 3 में कितनी बार जा रहा है, 36 12 2 24 -25 = 0। ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर -1/36 = 0। है कोच गाड़ी में दम, करें आगे। और ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5/6 = ±1/6। एक बार प्लस रखो, एक बार माइनस रखो। पहले प्लस रख लेते हैं, x माइनस 5/6 = 1/6, तो x = आ गया 1/6 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 6 लघुतम, 1 + 5 = 6/6 = 1, x = 1, x = 1, पहला वाला आंसर आया। अब जरा माइनस भी रख के देख लेते हैं, x माइनस 5/6 −1/6, x = 5/6 −1/6 = 6, 5 - 1 = 4/6, x = 2/3। पहले वाले तरीके में भी उत्तर यही था और इस वाले तरीके में भी उत्तर यही है। कैसा भी तरीका हो, आंसर सेम आना चाहिए, और दोनों चीजें जिसने समझ ली, आगे के सारे क्वेश्चन आपको आ गए। बुक में क्या किया है ये भी देख लेते हैं।
बुक में भी यही गाड़ी आई, ठीक है। और इसको इन्होंने किया, एक बार प्लस रखा, एक माइनस रखा, ये आपका आंसर आ गया। यस डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी ने मेरे कहे अनुसार इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आ जाइए उदाहरण नंबर 7 करेंगे। समीकरण ये है, 2x² माइनस 5x + 3 = 0 भी लिख सकते हो। करें 2 से भाग दे दो, चाहे तो वो तरीका मेरा वाला कर दो, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, या तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले वाला 4x² आ जाएगा, और या चाहे 2 से भाग लगा दो, कुछ भी करो। मैंने 2 से भाग लगा दिया, कोई चिंता नहीं है, ये मेरे पास x² 2x 1/2 से वापस यहां भाग लगा दिया, 5/2 मुझे लाना था तो 5/2 मैंने रखा, इसको इतना प्लस किया, इतना माइनस कर दिया, और ये 3/2 एक बार है जैसा का जैसे। ठीक है, ये आगे सब जगह = 0 लगाओ तो चलेगा, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया x - 5/4 का होल स्क्वायर, ये 3/2 का इसे माइनस किया, 16 को लघुतम लिया, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, ये आ गया माइनस का 1/16, और ये अपने पास ये इक्वेशन x - 5/4 = ±10, 1 बार प्लस रखा, 1 बार माइनस रखा, प्लस रखा तो आ गया अपने पास 4 का लघुतम लिया तो 3/6 = 3/2, और यहाँ आ गया एक आंसर आ गया। तीन बटा दो और एक, ये किया है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों आ गया क्या, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है, या कैसे आया, सबको आ गया? तो फिर एक काम और करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी करते हैं। आज अच्छी कसरत कराने वाला हूं तुमको, मैथमेटिक्स की कसरत। बनाओ 4x² बनाओ, चलो मैंने बना के रखा है तुम्हारे लिए हलवा। ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² - 10x + 6 आ गया, ये 2x का स्क्वायर हो गया, 2 × 2x, और 2a भी होना चाहिए, मुझे लाना है 10, तो 4 तो हो गया। अब मुझे 10 कैसे लाऊं, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 = 20, फिर 2 से भाग लगा दूं, ये मेरे को क्या किया है, 5/2 को मैंने यहां लाया हूं, तो 5/2 का स्क्वायर बनाना है, इसलिए 5/2 का स्क्वायर प्लस किया, इतना मैंने माइनस कर दिया, +6 = 0। अब ये संख्या नोट कर लो, ये वापस एक इक्वेशन आई। यहां थोड़े बच्चे लोग गड़बड़ कर सकते हैं कि भाई ये कैसे आया, बस यही आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, यही इतनी सी दिक्कत हो सकती है। ये 10x है, मुझे बीच में 10 लाना है ना, लाना है ना, 10 आ रहा है ना, और मुझे इसको 2ab भी बनाना है ना,
तभी तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब टू है तो बी कौन सा, ये बी है कि नहीं है, तो इसका बी का स्क्वायर लिख दो प्लस में, जितना प्लस किया उतना माइनस कर दो, फिर सॉल्व कर लो। ये मैंने सॉल्व किया, इसको पूरा सॉल्व करो, आप भी करो। यहां तक पहुंच गए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस रख के देखा तो ये आ गया 3/2, माइनस रख के देखा 1 आ गया। तो मेरे को ये तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता हूं। मजा आया? चलिए साहब क्या करें, अब उदाहरण नंबर 8 करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 5x² - 6x - 2 कर दो, 5 से गुणा 25 बना दो यार। ये मैंने कर दिया, 25 कर दिया, कर दो सॉल्व। सभी बच्चे सॉल्व करो, ऐसे बना मजा नहीं आएगा। ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 25x² - 30x - 10 = ठीक है। अब अपने को 2a भी लाना, तो 2 × 5x तो आ गया, ये है 30, 5 × 6 = 5 × 10 और ये हो गया 3, तो यहाँ रख दो 3। अब मेरे को ये 3² जोड़ दो, 3 घटा दो, माइनस का 10 है जो है, ठीक है। ये हो जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 9 तो अपने लिखा ही था और माइनस का 10 पहले से पड़ा था, ये हो गया माइनस का 19। अब जब इसको उधर ले जाऊंगा और 5x - 3 को जब मैं अंडर रूट करूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास ये लफड़ा आएगा। अभी तक जो अपन ने एग्जाम्पल किए थे उसमें तो खुद ही वो पूर्ण वर्ग था, तो स्क्वायर रूट निकाला तो एक संख्या, लेकिन यहां मामला ऐसा है। तो आंसर क्या आएगा फिर? फिर क्या आएगा बच्चों बताओ? फिर आएगा एक बार प्लस मानने पर क्या लिखोगे, 5x - 3 = + √19। तो 5x = लिखोगे 3 + √19 और x = हो जाएगा 3 + √19 / 5। एक बार ये उत्तर, एक बार ये उत्तर। सभी बच्चे कर लो बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, करते जाओ। अभी एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में जब अपन मिलेंगे और हम प्रश्नावली करने वाले हैं, ओके।